हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को यहाँ पे बिना इंटरनेट के यानी कि ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी गूगल ट्रांसलेट में कुछ भी ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर गाइस उसमें यहाँ पर आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। लेकिन गाइस, आज इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि कैसे आप इसको ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, यानी कि गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन यहाँ पर आपको दिखेगा, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑफलाइन ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको आपको डाउनलोड करना है। एंड यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसको सिंपली से ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, और ऑफलाइन में ही इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दोनों में गाइज आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही सेटिंग आपको करना है, जिसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ऑफलाइन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।